आंगनवाड़ी केंद्र बच्चे के जीवन की शुरुआती अटकेलियां और क्रियाकलापों की स्थली सीडीओ। मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पांडे की अध्यक्षता में मेरी आंगनवाड़ी मेरी पहचना अभिनव प्रयास के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लिए जाने के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने विभिन्न जनपद स्तरीय तथा विकासखंड स्तरीय अधिकारियों द्वारा गोद लिए गए 70 आंगनवाड़ी केंद्रों के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र बच्चे के जीवन की शुरुआती अटकेलियां और क्रियाकलापों की स्थली होती है तथा बच्चों महिलाओं और किशोरियों के सर्वांगीण स्वास्थ्य जोखिमों पोषण समस्याओं मानसिक और संज्ञानात्मक उलझनों के निदान व उसके बेहतर प्रबंधन के प्राथमिक केंद्र होते हैं। इन केंद्रों पर बच्चों किशोरियों और धात्री महिलाओं को इसलिए उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को संवेदनशीलता गंभीरता तथा व्यक्तिगत रुचि लेते हुए बच्चों और कार्यक्रमों का बेहतर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्रों पर अनुपूरक पोषाहार स्कूल पूर्ण शिक्षा टीकाकरण स्वास्थ्य जाँच तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाओं को बेहतर तरीके से प्रदान करने को कहा। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि यदि व्यवहारिक रूप से तथा बच्चों की सुविधाओं के अनुकूल रूप से ठीक रहे तो आंगनवाड़ी केंद्रों को निकटवर्ती प्राथमिक विद्यालयों में शिफ्ट करें, जिससे शिक्षा विभाग की मूलभूत सुविधाओं का लाभ भी बाल विकास विभाग की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में प्राप्त हो सके। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास को निर्देशित किया कि बाल विकास विभाग द्वारा तथा अन्य सहयोगी विभागों द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो भी सुविधाएं दी जाती हैं उनकी सूची संबंधित गोद लेने वाले अधिकारियों से साझा करें। इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास विभाग जितेंद्र कुमार ने प्रेजेंटेशन देते हुए बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों किशोरियों और धात्री महिलाओं के समुचित विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा देते हुए कहा कि संबंधित केंद्रों को गोद लेने वाले अधिकारी अपने विजन से आंगनवाड़ी केंद्रों पर कोई बेहतर इनोवेटिव प्रयास भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र पर बच्चों और महिलाओं को जागरूक करना चाहिए। नोडल अधिकारियों को केंद्र में मेन्यू टीकाकरण पका भोजन टेक होम राशन संस्थागत प्रसव हेतु पंजीकरण बाल लिंगानुपात सुधार से संबंधित कार्यों और इससे जुड़े दस्तावेजों की जांच करनी होगी तथा उसके अनुरूप अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित नोडल अधिकारियों को बच्चों और महिलाओं से जुड़ी हुई अन्य योजनाओं यथा आंचल अमृत योजना मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना पोषण अभियान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना निंदा गौरा देवी योजना वन स्टॉप सेंटर महिला शक्ति केंद्र मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट इत्यादि योजनाओं की प्रगति को भी बेहतर करने की नोडल अधिकारियों से अपेक्षा रहेगी। लॉन्च हुआ है मेरी आंगनबाड़ी मेरी पहचान, उसके माध्यम से हमारे जिले के जितने भी जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी हैं उन सब अधिकारीगणों को हमने आंगनबाड़ी केंद्र अलॉट किए हैं। और इसमें आशा ये है कि सभी अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेते हुए इन आंगनबाड़ी केंद्र इनके बच्चों एवं यहाँ पे कार्यरत जो भी स्टाफ है उनके अपलिफ्टमेंट में उनके वहाँ पे नवाचार का प्रयोग करते हुए इन आंगनबाड़ी केंद्रों को एक मिसाल बनकर प्रस्तुत करेंगे और हमारे ज़िले के आंगनबाड़ी केंद्रों का हम लोग एक तरीके से उनका एडवांसमेंट कर सकें। जो भी जहाँ पर भी जो भी विकास का स्कोप है वहाँ पर जो भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है भले ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर बच्चों को कोई फैसिलिटी या उनके न्यूट्रिशन पे या फिर धात्री महिलाओं के गर्भवती महिलाओं को उनको कुछ सहयोग प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो सब में जिला स्तरीय अधिकारियों का भी योगदान रहे। उस संदर्भ में आज ये बैठक बुलाई, समस्त अधिकारियों को ब्रीफ किया, विभाग की योजनाओं से अवगत कराया और साथ ही उनको जल्दी एक चेकलिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी जिसके आधार पर वो लोग इन केंद्रों की मॉनिटरिंग कर सकेंगे और अपना कंट्रीब्यूशन दे सकेंगे।